आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी अफताब का गुरुवार को नार्को टेस्ट किया गया, जिसमें उसने सारे सवालों के जवाब दिए। अफताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के रोहिणी स्थित अम्बेडकर अस्पताल में हुआ। डॉक्टर्स की राय के मुताबिक उसे 2 या 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट के लिए FSL रोहिणी लाया जाएगा। अम्बेडकर अस्पताल के एसोसिएशन विभाग के डॉक्टर नवीन के मुताबिक करीब 2 घंटे तक अफताब का नार्को टेस्ट चला। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान एक मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद थे। आरोपी की हेल्थ कंडीशन एकदम ठीक है, उसे अस्पताल से तुरंत डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस अफताब को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची। खबरों के अनुसार नार्को टेस्ट के दौरान पूछे गए ज्यादातर सवालों के संतोषजनक जवाब दिए। उसने कई सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। कुछ सवालों के जवाब देने में अफताब ने थोड़ा समय लिया। टेस्ट के दौरान अफताब कई सवालों में चुप रहा, लेकिन टीम ने उसे सवाल को दोहराया और जवाब देने को कहा, जिसके बाद उसने सभी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल ये खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।